नमस्कार, आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूँ संध्या। आइए नजर डालते हैं आज के राशिफल और पंचांग पर। जानते हैं आज का राशिफल व पंचांग। मैं हूँ संध्या आपके साथ। सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। वार मंगलवार 23 अप्रैल 2024, विक्रम संवत 2081 क्रोधी, शुक संवत 1946 पेंगल। सूर्योदय प्रातः 5:47 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि पूर्णिमा 24 अप्रैल 5:18 तक, तत्पश्चात प्रतिपदा। नक्षत्र चित्रा रात 10:32 तक, तत्पश्चात स्वाति। योग वज्र 24 अप्रैल प्रातः 4:57 तक, तत्पश्चात सिद्धि। सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्र कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ समय की अगर हम बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:53 से तो दिन के 5:46 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ करेंगे पुनर्विघ्न से संपन्न होगा। बात करें अशुभ समय की तो राहुकाल दिन के 3:36 से तो दिन के 5:14 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें, नहीं तो आपके कार्यों में दिक्कतें और कठिनाइयां आ सकती है। हो सकता है आपका कार्य भी सफल न हो, इसलिए इस समय को टाले, शुभ समय का इंतजार करें। दिशा शूल उत्तर। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से। मोबाइल नंबर 9453555111 पर रात्रि 10:00 से 12:00 तक निःशुल्क। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति में घर के सदस्यों की सलाह अवश्य लें, आपको अवश्य ही कोई उचित समाधान मिलेगा। व्यस्तता के बावजूद अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ संपर्क बनाकर रखें। जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। ताजगी एवं स्फूर्ति के अभाव से अस्वस्थता अनुभव होगी, मन में चिंता की भावना रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन या तकरार होने से मन खिन्न हो सकता है। जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज का दिन सामाजिक आर्थिक तथा पारिवारिक क्षेत्रों में लाभ होने की संभावना है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मित्रों की तरफ से लाभ मिल सकता है और उनके पीछे पैसा भी खर्च करने का योग है। जानते हैं कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज सोच समझकर कोई भी निर्णय लें, क्योंकि कोई आज आपको बहका सकता है। बहकावे में आकर कोई भी अनैतिक कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। जानते हैं सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको राजनीतिक व्यक्तियों से पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी समस्या में फंस सकते हैं। आज स्वयं की विवेक से काम लें, किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाना महंगा पड़ सकता है। जानते हैं कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज खर्च अधिक होने के योग दिख रहे, मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद उल्लास प्राप्त होगा। सुंदर वस्त्राभूषण और भोजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोपहर के बाद स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जानते हैं तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज लंबी यात्रा सबको फायदा पहुंचा सकती है। व्यवसायिक व्यक्तियों के लिए दिन सामान्य फलदायी कहा जा सकता है। पड़ोसी से बचकर रहे, विवाद की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदना हित का नहीं होगा। जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। दुपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कम से कम मात्रा में करें, भारी चोट लगने की संभावना है। धार्मिक कार्यों में रुचि रखें, लाभ मिलेगा। जानते हैं धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक कहा जा सकता है। काफी प्रयास कर रहे हैं जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए, उनमें सफलता मिलने के आसार बढ़ रहे हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपके लिए लाभदायक होगा। जानते हैं मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। वाहन खरीदने का मन बना रहे हो तो आज खरीदना उचित नहीं होगा। विषैले जीव से बचकर रहने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्य में रुचि बनाए रखें, बेहतर होगा। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज महिला वर्ग के लिए अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, साथ ही चरित्र का भी ध्यान रखना होगा। कोई व्यक्ति चरित्र पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर सकता है। शिवजी की पूजा आराधना करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज बिरादरी की व्यक्तियों से विवाद होने की संभावना है। पूर्ण सावधानी बनाए रखें और अपनी सभी वस्तुओं को संभाल कर रखें, चोरी जाने की अधिक संभावना है। ज्योतिष परामर्श के लिए रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453555111। इस पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 11 बजे तक। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।